गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शरण आने का हेतु कहा है तो ऐसा लगता है कि एक आत्मा को परमात्मा के शरण में जाना है, उनकी आपके प्रवचन में स्वयं के आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है, फिर स्वयं को किसके शरण में जाना है। ये गीता में कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को बताया वो हम हमारी समझ से समझना चाहते हैं, और एग्जैक्टली समझे ज्ञानी की दृष्टि से तो कृष्ण भगवान ने जो बताया उन्होंने क्या बताया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पर धर्म भयावह है तू स्वधर्म में आ जा, ये बताया है ना। हाँ, तो स्वधर्म तू मेरे शरण में आ जा ये भी बताया, तो मेरे शरण में यानी किसके शरण में जाऊंगे, श्री कृष्ण भगवान के शरण में नहीं उनकी आत्मा के शरण। हाँ, उन्होंने ये बताया कि हे अर्जुन तू जिसे कृष्ण कहता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये पंच महाभूत बना हुआ शरीर वो मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे तत्व स्वरूप से पहचान। तो हम किसके शरण में जाए, भीतर वाले तत्व के स्वरूप में। तो मगर कभी वो तत्व के स्वरूप में आने की बात बताई उनको, तू परधर्म में घुस गया है, परधर्म छोड़ दे और तू आत्मा के शरण में आ। आत्मा का साक्षात्कार अर्जुन को नहीं हुआ था तो उस टाइम पे उनको बताया कि तू सर्व धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जा, पर धर्म छोड़ के तू स्वधर्म में आ जा। तभी पर धर्म किसको बोला जाएगा, अरे हिंदू धर्म स्वधर्म है, दूसरे धर्म पर धर्म, ये कि जैन धर्म स्वधर्म है, वैष्णव धर्म स्वधर्म, जैन धर्म पर धर्म, ये नहीं। तो स्वयं की आत्मा को पहचानना। हाँ, मगर पर धर्म किसको बोला जाएगा, आत्मा को पहचानना वो स्वधर्म हो गया, तो पर धर्म किसको बोला जाएगा। वो अज्ञानता निकालनी है कि कृष्ण भगवान की दृष्टि में क्या होगा सच्ची बात। दादाजी को यही प्रश्न किसी ने पूछा था तो दादाजी ने बताया ये बात ऐसी नहीं है कि जैन धर्म स्वामीनारायण धर्म वो सब पर धर्म है, हमारा हिंद वैष्णव धर्म स्वधर्म, भगवान इतने पक्षपाती नहीं थे, भगवान तो निष्पक्षपाती थे। ऐसे पर धर्म स्वधर्म की व्याख्या भगवान की नहीं थी, पीछे वाले ने कर दी है, वो अलग चीज़ है, अपनी अपनी दृष्टि से कर देते हैं। भगवान की दृष्टि से क्या है, अभी दादाजी ने ये सॉल्यूशन बताया था एक, तो देखो आप अभी सुन रहे हो बात मेरी। हाँ, तो सुनना किसका धर्म है। हाँ, बोलते मैं सुन रहा हूँ, तो आप खुद सुन रहे हो कि कान सुन रहा है, कान सुन रहा है, और आप क्या बोलते मैं सुन रहा, तो कान का धर्म आप बोलते हो मैंने किया। अभी आपको नंबर, हाँ मुझे आँख में नंबर आ गया था, आँख को नंबर आता है, आप बोलते मुझे नहीं दिखाई देता है, तो इंद्रिया के धर्म को आप बोलता है मैं करता हूँ, बाद में मन विचार करता है, नहीं विजय कुमार बोल रहे थे ना मुझे बहुत बुरे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो मन का धर्म है वो, आपका धर्म नहीं है। विचार वो मन का धर्म है, और भटकना वो चित्त का धर्म है। तो मुझे मेरा चित्त भटक रहा है, आप उसको जानो कितना भटक रहा है, कहाँ भटक के आता है, आप जानने वाले अलग हो। बाद में बुद्धि का धर्म निर्णय लेना है, अहंकार का धर्म कर्तापन है, मैं किया बोलेगा निश्चय करना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतस्करण अपने धर्म में है, और पांच इंद्रिय अपने धर्म में है, और आप खुद ही आत्मा हो मगर आप जानते न हो, और आप बोलते मैं ही सुधाकर हूँ, मैंने सोचा, मैंने ध्यान लगाया, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने खाना खाया, मुझे ठंडी लग रही है, ये देहाध्यास के धर्म को आप खुद के धर्म मान लिया, वही अज्ञानता है, वही पर धर्म से भय है, राग द्वेष होते हैं, और आप खुद ही आत्मा हो, आत्मधर्म में आ गए तो आपको निर्भयता है, वितरागता है। तो ये आत्मधर्म में आने के लिए बात बताए कि तू देहाध्यास में, मैं अर्जुन हूँ मानते हो, वही देहाध्यास में है, आप अर्जुन नहीं खुद ही आत्मा हो, तो आप आत्मधर्म में आओगे तो आपको भय नहीं, राग द्वेष नहीं, और वही स्वधर्म।